हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 पार्ट 5 जिसका नाम है लिंग। लिंग मीन्स जेंडर। सब चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से मतलब शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, जब हमें ये पता पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। अब देखिए, नीचे आपको पिता, माता, भाई, बहन चार पिक्चर दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं। तो पिता कौन हुआ? पुरुष। माता स्त्री हुई, और भाई मतलब वो भी पुरुष जाति का हुआ, और बहन स्त्री जाति की। रवि और कविता भाई बहन हैं, वे अपने माता पिता का आदर करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में वे अपने मामा मामी से मिलने वाराणसी जाएंगे। अब मामा मामी कौन हुए? एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति। भाई बहन भी, और मम्मी माता पिता भी, एक पुरुष एक स्त्री। ऊपर लिखे वाक्यों में रवि, भाई, पिता और मामा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। ये सभी शब्द पुल्लिंग है। कविता, बहन, माता और मामी शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। सभी संज्ञा शब्द की दो जातियां हैं, पुरुष जाति तथा स्त्री जाति। अब देखो, इसमें ये बताया गया है कि सभी संज्ञा शब्द मतलब कोई भी संज्ञा का शब्द हो तो वो या तो पुरुष जाति का होगा या स्त्री जाति का, और जब हमें ये पता पड़ता है कि वो किस जाति का है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के भेद मतलब उनके कितने प्रकार होते हैं? लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस शब्द संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, बैल, शेर, राजा आदि। अब जिस संज्ञा शब्द से क्या पता पड़ता है कि वो पुरुष जाति का है, जब हमें ये पता पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, गाय, शेरनी, रानी आदि। अब देखो, जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता पड़ता है कि वो शब्द स्त्री जाति का है उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का पता पड़े वो पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का पता पड़े वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुतिया। शेर का शेरनी, राजा का रानी। तो एक पुरुष जाति का शब्द होता है और दूसरा स्त्री जाति का शब्द होता है। निम्नलिखित नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष बोधक नाम, जैसे लड़का, अध्यापक, बकरा, मुर्गा, ये सब शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। शरीर के अंगों के नाम, अब हमारे शरीर के अंग मतलब जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके नाम, जैसे कान, हाथ, पैर, नाखून, ये सब शब्द भी क्या है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर अनाजों के नाम, जैसे गेहूँ, चावल, चना, मटर। अनाज मतलब जो अनाज होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं अनाज, चना, मटर, गेहूँ, चावल, तो इन सब के शब्द नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ये देखिए, आपको इनके पिक्चर्स भी दिए गए स्टूडेंट। ये शरीर के अंगों के पिक्चर हैं, बॉडी पार्ट्स। ये आपके जैसे लड़का, पिता, बकरा, मुर्गा, ये सब क्या हैं? लड़का, अध्यापक, तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। फिर अनाजों के नाम, ये देखो आपको अनाजों के पिक्चर्स दिए हुए और इनके नाम दिए हुए, तो ये सब शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर तारों, ग्रहों और पहाड़ों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, नीलगिरी। तारों के नाम, तारे देख पता है ना आपको रात को जो दिखते हैं आसमान में। ग्रहों के नाम, जो हमारे ग्रह होते हैं उनके नाम, और पहाड़ों के नाम, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द में आते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, नीलगिरी। फिर रत्नों और द्रव्यों के नाम, जैसे पानी, दूध, घी, तेल। रत्न, हीरे, मोती, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं? रत्न होते हैं। और द्रव्यों के नाम, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं पदार्थ, यानी दूध, घी, दही और पानी, ये सब तेल, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आपको पता है ना, तो इनके नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। फिर दिनों और महीनों के नाम, दिन जो होते हैं हमारे 7 डेज होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं उनके नाम, और महीनों के नाम, जो मंथ होते हैं हमारे, एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, इन सब के नाम भी पुल्लिंग शब्द है। स्थल, जल और भूमंडल के भागों के नाम, जैसे समुद्र, द्वीप, आकाश, सरोवर आदि। स्थल यानि कोई प्लेस, कोई जगह होना। फिर जल, जल यानि पानी। भूमंडल, अब और भूमंडल के भागों के नाम मतलब किसी भी जगह का नाम, चाहे वो पानी वाली प्लेस हो या जिसमें जैसे धरती, कहीं धरती पर कोई भी जगह, इनके क्या नाम होते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं ये नाम, स्थल, जल और भूमंडल के नाम। फिर निम्नलिखित नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के नाम जो हम देखते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में स्त्रीबोधक नाम, जैसे बालिका, अध्यापिका, बकरी, मुर्गी। अब हमने पुल्लिंग शब्दों में बालक, अध्यापक, बकरा और मुर्गा, ये सब शब्द पुल्लिंग थे। इन्हीं के पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे? बालिका, अध्यापिका, बकरी और मुर्गी।
फिर नदी नहरों और ऋतुओं के नाम, नदियों के नाम जितनी भी नदियाँ होती हैं उनके नाम, ऋतुओं मतलब मौसमों के नाम, और नहरों, नहरों के नाम यमुना, नहर, वर्षा, गर्मी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर तिथियों, बोलियों तथा भाषाओं के नाम। तिथि, आपने देखा जो हिंदी के कैलेंडर होते हैं, हिंदी में तिथियाँ होती हैं, जैसे अक्षय तृतीया आपने सुना है ना, तो ये सब तिथियाँ होती, एकादशी तिथि, तो पूर्णिमा, इन तिथियों के नाम। फिर बोलियों के नाम, हिंदी, राजस्थानी, बांग्ला, संस्कृत और भाषाओं के नाम, जैसे हरियाणवी बोली, बंगाली सॉरी भोजपुरी बोली, तो ये सब, और भाषाओं के नाम जितने भी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन सब भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। फिर हिंदी के इकारांत शब्द, जैसे रोटी, टोपी, देवी, शीशी, मिट्टी, धोती, मूली, चोटी, तरकारी, कड़ाही, सुराही, ये सब भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर इयां से अंत होने वाले शब्द, अब जैसे किसी शब्द के लास्ट में हम इयां लगा दें, इयां अकारांत, तो चूहा, चूहा का क्या होगा, चूहिया, स्त्रीलिंग, इसमें हमने क्या कर दिया, इयां ऐड कर दिया, चूहा प्लस इयां इक्वल टू चूहिया। फिर लोटा, इसका क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द, लुटिया, तो ये इयां वाले शब्द हैं। फिर समूहवाची शब्द, समूह में मतलब झुंड में, या समूह में मतलब होता है कि ग्रुप में, जहाँ एक से अनेक व्यक्ति हों या कोई ज़्यादा चीज़ें हों, उसको हम समूह कहते हैं। श्रेणी, कक्षा, भीड़, सभा, ये सब भी स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। फिर नीचे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की तालिका दी गई है, इन शब्दों को पढ़िए और समझिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, ये आपकी पूरी टेबल दी गई है इसमें। तो पुत्र का क्या होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। देव का देवी, अध्यापक का अध्यापिका, नौकर का नौकरानी, मोर का मोरनी, राजा का रानी, फिर मामा का मामी, नाई का नाइन, सेठ का सेठानी, ऊँट का ऊँटनी, मर्द का औरत, बैल का गाय। तो ये आपकी टेबल है, मैंने कुछ वर्ड्स आपको पढ़कर बता दिए हैं कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। आपको ये पूरी टेबल रीड करनी है और इसको देखना है कि पुल्लिंग शब्द कौन से हैं और उनको स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। आप ये पूरी टेबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसमें आपको लिंग के बारे में बताया गया है कि लिंग क्या होते हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है, और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग, मतलब कोई भी नाम हो या तो स्त्री जाति का होगा या पुरुष जाति का होगा। और फिर आपको बहुत से ऐसे नाम बताए गए जो स्त्रीलिंग में यूज़ होते हैं और बहुत से ऐसे नाम बताए गए जो पुरुष जाति में आते हैं, मतलब पुरलिंग शब्द होते हैं। आपने ये सब पढ़ा और फिर आपको स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग कैसे बनाना है और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग कैसे बनाना है, ये सब इसमें समझाया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। और अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप मुझे उसकी पिक्चर सेंड कीजिए। स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, आपकी एग्जाम्स आने वाली हैं और आपकी कॉपी भी चेक होगी, इसलिए आप अपना वर्क कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू स्टूडेंट।